तहसीलदार को जाके देखें कि सरकारी भूमि पर तो अवैध कब्जा नहीं हो रहा, मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा। इसके अलावा एक चीज और है, इनका खुद का एक लेटर लगा है इस फाइल में, जो कोर्ट की फाइल है उसमें ये लेटर इनका लगा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारे आधिपत्य में है, हमारी भूमि नहीं है, हमारे आधिपत्य में, यानी कि हमारे कब्जे में है। कब्जे की भूमि आपकी कैसे हो जाएगी? यूपी के जनपद संबल की तहसील के गांव एचोड़ा खंबो का एक मामला सामने आया है, जहां प्रमोद कृष्णराम खलियान की भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने सन 1988 में खलियान की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में फर्जी एंट्री करके इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम अंकित कर दिया था और खुद प्रबंधक बन गए। न्यायालय उप जिला अधिकारी संबल से 3 बार आदेश पारित हुए और भूमि खलियान के नाम अंकित हुई, लेकिन प्रमोद कृष्णराम ने उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास जारी रखा। सरकारी भूमि पर हवन कुंड एवं यज्ञशाला बना रखी है। पूर्व में मंदिर निर्माण को असमोली थाना पुलिस ने विफल किया था। अब किलिक धाम के शिलान्यास का सहारा लेकर उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास है। इसकी सूचना माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को साक्ष्य सहित प्रार्थना पत्र प्रेषित किए हैं कि घटना का संज्ञान लेते हुए सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव अभी तक। मेरा नाम डॉक्टर अमित उठवाल एडवोकेट है। सर, ये जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर क्या है इसका पूरा मामला? चलो, है क्या कि राजस्व ग्राम एचोड़ा कंबू में गाटा संख्या 283 जो है खलियान की भूमि है, जो चकबंदीपुर जिसका गाटा संख्या 155 होता है। एचोड़ा कंबू के निवासी श्रीमान प्रमोद त्यागी जी और जो आज के दौर में आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम से जाने जाते हैं, ने 1988 में खलियान की भूमि पर एक फेक एंट्री दर्ज कराई इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम, जिसके नाम कोई आवंटन नहीं था, कोई आदेश नहीं था, फर्जी एंट्री जो है खतौनी पर कराई और उस स्कूल के प्रबंधक स्वयं बन बैठे। और जो स्कूल इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम से, कोई स्कूल आज तक अस्तित्व में नहीं है। इस भूमि पर तमाम बार कब्जा करने का प्रयास किया गया इनके द्वारा, प्रशासन द्वारा विफल करा दिया गया कब्जे को। उसके बाद 3/4/2008 को तत्कालीन SDM महोदय ने अपने यहाँ धारा 333/39 ZLR के तहत मुकदमा दर्ज किया और पूरे साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3/4/2008 को एक आदेश पारित किया जो आचार्य जी ने इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम फेक एंट्री दर्ज कराई थी वो खारिज की गई और भूमि पुनः खलियान में दर्ज हुई। उसके बाद ये यहीं पर नहीं रुकते हैं, उसके बाद इन्होंने एक रेस्टोरेशन फाइल किया। रेस्टोरेशन फाइल करने के बाद दोबारा सुनवाई मुकदमे पर हुई और तत्कालीन SDM महोदय द्वारा दिनांक 11/8/2008 को पुनः ऑर्डर किया गया, आपका रेस्टोरेशन खारिज किया गया और 3/4/2008 की पुष्टि हुई, खतौनी में दर्ज हुआ। उसके बाद नहीं रुके श्रीमान जी, उसके बाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में एक रिट नियोजित किया और रिट के बाद वहां से डायरेक्शन हुआ कि 2 सप्ताह में दोनों पक्षों को सुन के निस्तारण के। उसके बाद तत्कालीन SDM महोदय ने दिनांक थी इसकी 3/9/2015 को इनके रेस्टोरेशन को फिर खारिज किया और पुराने ऑर्डर 3/4/2008 और 11/8/2008 को डिट्टो किया, खतौनी में पुनः खलियान दर्ज कराया।